हाँ जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अजू एजुकेशन पर। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वाले जो बेल आइकन का बटन जिससे आने वाले वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके सबसे पहले। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 30। इससे पहले आप सभी के 29 ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट हो चुके हैं इस नई टेस्ट सीरीज में, इन्हीं सीरीज नंबर 3 में। तो जिसने भी अभी तक नहीं देखे देख सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं सभी टेस्ट। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो कैंडिडेट्स आईटीआई कर रहे हैं इलेक्ट्रिशियन बेस पे तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या जो कैंडिडेट्स आईटी इलेक्ट्रिशियन बेस पे वैकेंसी आई हुई है उन सब की तैयारी कर रहे हैं तो भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा आप सभी को, अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप सभी इस टेस्ट की पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको जाना होगा टेलीग्राम के अंदर, वहाँ पे आपको सर्च बॉक्स दिखाई देगा, वहाँ पे आपको लिखना होगा अज्जू एजुकेशन AJJU, यानी ये सेमी चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी अज्जू एजुकेशन तक, तो अपने आप आ जाएगा वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं या आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा भी कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, टर्बो अल्टरनेटर में ध्रुवों की संख्या या पोल्स की संख्या कितनी होती है, बताइए कौन सा आंसर होगा। टर्बो अल्टरनेटर्स में ध्रुवों की संख्या कितनी होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, डीएमआरसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार। टर्बो अल्टरनेटर्स में पोल्स की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी दो होती है हमेशा। अगला हमारा क्वेश्चन है दो नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए जितने कैंडिडेट्स देख रहे हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग स्प्लिटरिंग बनाने में होता है, जो स्प्लिटरिंग होता है तो वो किस धातु का बना होता है, रोट आयरन का, कॉपर का, कास्ट आयरन का या एल्यूमिनियम का, बताइए कौन सा आंसर होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग स्प्लेटरिंग बनाने में होता है। हाँ तो दोस्तों इसका भी आंसर हो जाएगा बी, यानी कॉपर होता है हमेशा, ये आपको ध्यान रखना है कॉपर का बनाया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है तीन नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो दो म्यू एफ यानी माइक्रो फैराड के चार संधारित्र एक श्रृंखला में जोड़े गए हैं, यानी सीरीज में जोड़े गए हैं, एक सीरीज में जोड़े गए हैं, तो आपको बताना है तुल्य विद्युत धारिता क्या होगी, यानी इन चारों को मिलाने के बाद में जो धारिता होगी वो कितनी होगी, बताइए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। 8 μF, 0.5 μF, 2 μF या 6 μF, सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 μF के चार संधारित्र या चार कैपेसिटर हैं तो उनको सीरीज में जोड़ा गया है या श्रृंखला में, तो आपको बताना है तुल्य विद्युत धारिता क्या होगी। चलिए दोस्तों मैं बता देता हूँ, इसका सूत्र होता है एक बटा में, ध्यान से देखिएगा, एक बटा में एक बटा सी वन प्लस में एक बटा सी टू प्लस में एक बटा सी थ्री प्लस में एक बटा सी एन लगा दीजिए, यानी जितनी संख्या होगी उतनी आप लिख सकते हैं प्लस में ऐड करके, लेकिन आपको ध्यान रखना है एक बटा में, फिर आपको एक बटा में सी वन प्लस सी एक बटा सी टू प्लस एक बटा सी थ्री, इस प्रकार से ये फॉर्मूला होता है इसका टोटल कैपेसिटी निकालने का, कैपेसिटेंस निकालने का ये सूत्र होता है टोटल। तो चलिए दोस्तों रखते हैं, यानी ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में 2 μF के चार है, यानी अब रख दीजिए एक बटा में एक, तो ऊपर वाला आ गया, फिर आ जाएगा एक बटा में दो प्लस एक बटा में दो प्लस एक बटा में दो प्लस एक बटा में दो, बराबर में करेंगे तो आ जाएगा एक बटा में, यहाँ पे दो लघुत्तम लिया, फिर आ जाएगा एक प्लस एक प्लस एक प्लस एक, यानी ये हो जाएगा एक बटा में चार बटा में दो, दो को दो से कटा दो आ गया, फिर आ जाएगा एक बटा दो, एक में दो का भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5 μF माइक्रो फेरेट, बताइए कौन सा आंसर होगा इसमें, तो इसमें हो जाएगा बी। समझ में आ गया होगा आप सभी को, सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, अपने आप आंसर निकाल सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों,
चार नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। एक SCR है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, तो उसका अनुप्रयोग निम्नलिखित में से कौन सा है? क्या वोल्टेज एम्पलीफायर, या मोटरों की गति पर नियंत्रण, या ओसिलेटर्स, या सिग्नल जनरेटर्स? बताइए कौन सा आंसर होगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। SCR का अनुप्रयोग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी मोटरों की गति पर नियंत्रण। अगला हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है लिथियम सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होने वाली सामग्री कौन सी होती है? लिथियम, कार्बन, जिंक, या मैग्नीज ऑक्साइड? बताइए कौन सा आंसर होगा। लिथियम सेल में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होने वाली सामग्री कौन सी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, देखिए लिथियम सेल की बात की गई है और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की बारे में पूछा गया है, कौन सा पदार्थ होता है? तो दोस्तों इसका आंसर जो है बी, यानी कार्बन होता है हमेशा। अगला हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है VIR वल्केनाइज्ड इंडियन रबड़ केबलें होती है तो उनका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? वर्कशॉप और भवनों की आंतरिक वायरिंग में, या 6.6 किलो वोल्ट तक की लाइनों में, या 11,000 वोल्टेज की लाइनों में, या 33,000 वोल्टेज की लाइनों में? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा। वल्केनाइज्ड इंडियन रबड़ या VIR केबलें सामान्यतः प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी वर्कशॉप और भवनों की आंतरिक वायरिंग में, यानी लगभग 230 वोल्ट में भी इसका कार्य होता है, और 430 और साथ में 650 वोल्ट तक इसका उपयोग किया जा सकता है, 650 वोल्टेज तक VIR केबल्स। अगला हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, इसके आंसर बताइए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए निकाल के। यदि किसी चार ध्रुव या चार पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज मोटर की गति उसकी समकालिक गति यानी सिक्रोनस गति की 95% है, तो मोटर की आपको वास्तविक गति बतानी है कितनी होगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, किसी चार ध्रुव यानी चार पोल 3 फेज 50 हर्ट्ज वाली एक मोटर है, उसकी आपको सिक्रोनस गति की 95% है, तो मोटर की वास्तविक गति कितनी होगी? जल्दी से निकाल के बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। अगर आप ये क्वेश्चन सही तरीके से कर पाते हैं तो इसका मतलब आपकी मैथ में भी तैयारी अच्छी है परसेंटेज में। तो दोस्तों इसका सूत्र होता है एन एस बराबर में 120 एफ बटा में हो जाएगा पी, तो 120 फ्रिक्वेंसी कितनी देर की है? 50 हर्ट्ज रख दीजिए, पोल्स कितने देर के हैं? 4, ये भी रख दीजिए, 4 को काटा 30 आया, 30 को 50 से मल्टीप्लाई किया कितना आया? 1500 RPM, 1500 RPM आ गया। अब पूछा गया है 95%, ये देखिए सिक्रोनस गति की 95% है, तो 1500 का 95% निकालना है आपको, सिंपल सा तरीका होगा, बताइए कौन सा आंसर होगा। 1500 का 95% निकालेंगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा, तो सिंपल सी बात है दोस्तों। अब 1500 का 10% हो गया 150, और 5% हो गया 150 का आधा यानी 75, तो 1500 माइनस 75 कर दीजिए कितना आएगा? 1425 RPM राउंड प्रति मिनट, 1425 RPM कौन सा आंसर होगा इनमें से? यानी डी हो जाएगा दोस्तों इसका राइट ऑप्शन, यानी सिक्रोनस गति की 95% है और उसकी वास्तविक स्पीड कितनी होगी? 1425 RPM, यह इसका राइट आंसर होगा, समझे आ गया। सबसे पहले आपको सूत्र लिखना है एन एस यानी सिक्रोनस स्पीड निकालने के लिए 120 F बटा में पी यानी पोल्स, फिर आपको सूत्र में रख देना है, उसके बाद में ये इसकी टोटल स्पीड आ जाएगी, टोटल स्पीड आने के बाद में आपको 95% स्पीड निकालनी है, उसकी कितनी होगी? तो 1500 का 95% निकाल सकते हैं वैसे भी, 100 काटा, 15 को 95 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी 1425 ही आंसर आएगा,
ये भी इसका तरीका होता है, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। समझें आगे होगा आप सभी को। अगला हमारे क्वेश्चन दोस्तों 8 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। 1800 RPM या 1800 राउंड प्रति मिनट पर घूम रहे चार पोल अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी कितनी होगी? 60 हर्ट्ज, 7200 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज या 450 हर्ट्ज। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताइए कौन सा आंसर होगा। अठारह सौ आर पी एम पर घूम रहे चार पोल अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न वोल्टेज की फ्रिक्वेंसी क्या होगी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा F बराबर में PN बटा में 120। पोल्स कितने दे रखे हैं? चार। स्पीड कितनी दे रखी है? 1800 बटा में हो जाएगा 120। जीरो से काटा 0, चार से काटा 3, तीन से काटा 60, यानी 180 में 3 का भाग देंगे, इसका मतलब 60 आ जाएगा, इसका 60 हर्ट्ज राइट आंसर हो जाएगा। समझे आगे होगा आप सभी को। अगला हमारे क्वेश्चन 9 नंबर, इसका आंसर होता है क्या होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक 50 हर्ट्ज वाला प्रत्यावर्तक यानी अल्टरनेटर है तो अधिकतम संभव गति पर चलेगा। तो ये आपको देखना है कि अल्टरनेटर की अधिकतम संभव गति कितनी हो सकती है, कितने राउंड प्रति मिनट हो सकती है। तो अगर आपको सही से पता है फिर तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, अगर नहीं पता तो नहीं निकाल पाओगे आप इसका आंसर। तो इसे ध्रुवों के लिए वेस्टर्न की जाए, यानी पोल्स बताने आपको कितने पोल्स होंगे। अब आपको गति तो रखनी पड़ेगी यहाँ पे, कितनी गति रख पाओगे आप, अधिकतम संभव गति कितनी हो सकती है एक अल्टरनेटर की। तो चलिए दोस्तों मैं बता देता हूँ, यानी यहाँ पे देखिए एक 50 हर्ट्ज वाला अल्टरनेटर है तो अधिकतम संभव गति हो सकती है 3000 राउंड प्रति मिनट, आप देख लेना बुक्स में RPM। तो अब आप रख लीजिए 3000 RPM, तो आ जाएगा F बराबर में PN, P का हो गया पोल्स, पोल्स आपको निकालने हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं P बराबर में 120 F बटा में हो जाएगा N। तो पोल्स निकालने हैं आपको, 120 हर्ट्ज कितनी देर के, 50 बटा में हो जाएगा 3000, जीरो से काटा 0, इस जीरो से काटा ये जीरो कट गया, फिर बच गया 30, 5 को काटा 6 आ गया, 6 का काटा 2 आ गया, तो इसका आंसर कितना आएगा 2, यानी 2 पोल्स, 2 ध्रुव आ जाएगा इसका राइट आंसर। समझिए आगे होगा आप सभी को। अगला हमारे क्वेश्चन है 10 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। किसी 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की एक वाइंडिंग जल गई है तो अब ट्रांसफार्मर की आपूर्ति कितनी होगी, आपूर्ति कितनी करेगा? अपनी पूर्ण निर्गत रेटिंग का, या शून्य निर्गत रेटिंग, या निर्गत रेटिंग का 86.6%, या निर्गत रेटिंग का 58%। बताइए जल्दी से कौन सा आंसर होगा इसका राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। जल्दी से टाइप करके बता दीजिए, कई बार एग्जाम से पूछा गया ये क्वेश्चन। तो दोस्तों निर्गत रेटिंग निकालने का एक सूत्र होता है, निर्गत रेटिंग बराबर में होगा, ध्यान से देखिएगा जितने कंडेंस देख रहे हैं, KVA किलो वोल्ट एम्पियर, यानी ट्रांसफार्मर की रेटिंग हो जाएगा और इसके गुणा में होगा 100 बट्टा में हो जाएगा √3। यह इसका सूत्र होता है निर्गत रेटिंग निकालने का, ध्यान से देखिएगा, KVA गुणा में 100 और बट्टा में हो जाएगा √3। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा D, यानी निर्गत रेटिंग का 58% इसका राइट आंसर होगा। अगर एक वाइंडिंग जल जाए 3 फेज डेल्टा ट्रांसफार्मर की, ध्यान से देखिएगा डेल्टा ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा गया है। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों 11 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। DC जनरेटर की संपूर्ण दक्षता या ओवरऑल इफिशियंसी बोला जाता है तो वो किसके बीच रहती है, 60 से 80% या 75 से 85 या 80 से 90 या 85 से 95। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। DC जनरेटर की संपूर्ण दक्षता किसके बीच रहती है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा D,
85 से 95% के बीच में रहती है। अगला हमारा क्वेश्चन है 12 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है एमसी यंत्र में या मूविंग क्वाइल यंत्र में संकेतक होता है, यानी जो सुई लगी होती है उससे जुड़ा हुआ एक पेच होता है, यानी छोटा सा पेच लगा हुआ होता है ब्लैक कलर का, तो उसका उद्देश्य क्या होता है, वो क्यों लगाया जाता है? क्या मापी की सुग्राह्यता के समंजन के लिए, यानी उसको ठीक करने के लिए, या संकेतक को शून्य स्थिति पर ठीक करने के लिए, या मापी के चल भाग को कसने के लिए, यानी जो मापने वाला जो सुई होती है उसको कसने के लिए, या मापी की माप सीमा को बदलने के लिए, बताइए कौन सा आंसर होगा। पेच क्यों लगाया जाता है एमसी टाइप यंत्रों में? जो सुई होती है वो हिलती है अगर आप उस पेच को थोड़ा बहुत घुमाओगे तो। अब समझ जाइए क्यों लगाया जाता है। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके आंसर हो जाएगा संकेतक को शून्य स्थिति पर ठीक करने के लिए लगाया जाता है हमेशा। अगला हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर, इसके आंसर बताइए क्या होगा। फिल्टर परिपथ में रिपिल घटाने के लिए प्रयुक्त होने वाला मुख्य घटक कौन सा होता है? संधारित्र, प्रतिरोधक, प्रेरित्र या ट्रांसफॉर्मर? यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिल्टर परिपथ में रिपिल घटाने के लिए प्रयुक्त मुख्य घटक कौन सा होता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी संधारित्र होता है या कैपेसिटर मान लीजिए। अगला हमारा क्वेश्चन है 14 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। क्रिस्टल ऑसिलेटर उपयोग होता है तो क्या कारण होता है, या क्योंकि क्यों उपयोग किया जाता है क्रिस्टल ऑसिलेटर? यह उच्चतम आउटपुट वोल्टेज देता है, या इसकी क्षमता उच्च होती है, या ऑसिलेशनों की आवृत्ति काफी हद तक स्थित रहती है, या इससे बहुत कम डीसी आपूर्ति वोल्टेज की आवश्यकता है, बताइए कौन सा आंसर होगा। क्रिस्टल ऑसिलेटर का उपयोग होता है, क्या कारण है, क्यों किया जाता है इसका उपयोग? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ऑसिलेशंस होते हैं उनकी आवृत्ति काफी हद तक स्थित रहती है, इसीलिए क्रिस्टल ऑसिलेटर का उपयोग किया जाता है। अगला हमारे क्वेश्चन दोस्तों 15 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक ऑडियो ऑसिलेटर उपयोग करता है, क्या उपयोग करता है? धनात्मक फीडबैक, ऋणात्मक फीडबैक, या धनात्मक और ऋणात्मक फीडबैक दोनों को, या उक्त में से कोई नहीं, बताइए कौन सा आंसर होगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, RRB JEE में भी पूछा गया है। एक ऑडियो ऑसिलेटर क्या उपयोग करता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, यानी धनात्मक फीडबैक करता है। तो दोस्तों ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप सभी को आज का यह ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 30 अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर करना जितने कैंडिडेट्स देख रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में। आपके पास जितने भी स्टडी के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, या आपके पास जितने भी टेलीग्राम ग्रुप है, या आप फेसबुक चलाते हैं, तो उसमें भी शेयर करना जरूर। और धन्यवाद आप सभी के इस वीडियो को देखने के लिए। जो नया कैंडिडेट है वो अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम आपके लिए बेहतरीन क्लासेस लेके आएंगे और सिलेबस आपको कंप्लीट करवाएंगे, वन लाइनर क्वेश्चनों के द्वारा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों के द्वारा और प्रैक्टिस सेटों के द्वारा। और साथ में अगर आप सभी इस टेस्ट की PDF फाइल पाना चाहते हैं तो आपको ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम का ग्रुप। तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल के अंदर टेलीग्राम का मोबाइल ऐप्स डाउनलोड करना है, उसके बाद में आपको सर्च बॉक्स दिखाई देगा, वहाँ पे आपको लिखना है अज्जू एजुकेशन, AJJUEDUCATION। बहुत सारे ऐसे स्टडी यूट्यूब चैनल्स है जो कि टेलीग्राम ग्रुप नहीं, टेलीग्राम चैनल्स बनाते हैं, जिससे कि आप चैट भी नहीं कर पाते हैं, आप मैसेज भी नहीं कर पाते हैं। तो हमारी तरफ से आपको मिल रहा है एक टेलीग्राम ग्रुप, अगर आप कुछ भी क्वेश्चन वगैरह हल करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। उस ग्रुप में बहुत सारे कैंडिडेट्स आपको आंसर बता भी सकते हैं, तो आप जरूर ज्वाइन करना अज्जू एजुकेशन का टेलीग्राम ग्रुप, सबसे ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स उसमें PDF भी शेयर करते रहते हैं अपने अपनी अपनी तरफ से, जितने भी होते हैं या पेपर बैग्स होते हैं वो भी। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी के दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं।